मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है और इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं की बैठक हुई जिसमें ओबीसी वर्ग के मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण निकाय और पंचायत में ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ है। वहीं ओबीसी आरक्षण मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला गंभीर है, कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। बता दें आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव करने पर रोक लगा दी। इस संबंध में कार्रवाई के लिए सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो कांग्रेस की तरफ से जो एक रिट लगाई गई और उस रिट के आधार पर जिसमें माननीय विवेक तनखा जी न्यायालय में उपस्थित हुए और उनके आग्रह पर महाराष्ट्र के गौली केस के उदाहरण को मानकर मध्य प्रदेश में ओबीसी पर रोक लगाई गई है। अगर माननीय तनखा जी उपस्थित नहीं होते और ये बात नहीं रखते तो ये स्टे ओबीसी का मध्य प्रदेश में इतने वर्षों से हमारे यहाँ चल रहा है ये स्टे नहीं होता, तो कांग्रेस के कारण ओबीसी चुनाव से वंचित हुआ है। ओबीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े, मामला हम उठाएंगे, बहुत गंभीर मामला है, इसका हम कट्टर विरोध करते हैं। ओबीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े, मामला हम उठाएंगे, बहुत गंभीर मामला है, इसका हम कट्टर विरोध करते हैं। इधर